इस वाली हमारी वाली एक्सेल के ना तो आता नहीं है एनालाइजर डाटा, ये आपको इसमें कौन मैंने सा? अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर में तो आपको एडिंस मिलेंगे। जैसे मोबाइल में हम ऐप डाउनलोड करते हैं ना, हाँ ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। कुछ फ्री है, कुछ पेवर्ड है, कुछ सेमी है, कुछ फ्री, कुछ पेवर्ड, बिल्कुल मोबाइल ऐप की तरह जो मोबाइल स्टोर में होता है ना, बड़े प्ले स्टोर में, हाँ उस तरह से। सर, ये चलिए स्लाइसर और टाइमलाइन, एक मिनट, इसमें आपके इसमें इसमें आ रहा है फिल्टर के अंदर स्लाइसर और टाइमलाइन, ये फिल्टर का क्या है सर? फिल्टर के अंदर मतलब ये देखो फिल्टर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, हाँ इसमें स्लाइसर हाँ और ये तो है, टाइमलाइन। आपके पास होगा ये तो। एक मिनट, कौन सा एक्सेल आपके पास है? एक्सेल 2013 ऑनवर्ड होगा तो होगा, 13 से पहले 7 होगा तो नहीं, 10 और 7 होगा तो नहीं। चलो सर देख लेते हैं इसके अंदर होगा सर, देख लेते। जी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा है और हम इस पे चार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन चार्ट्स में हम नेम वाइज मंथली चार्ट लेना चाहते हैं और एक बार में एक ही हाँ मंथ को शो करना चाहते हैं। तो नेम को उठा के जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाइए यहाँ पे, और यहाँ मैंने मैनुअली 1 लिख दिया और यहाँ हम ऑफसेट का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, रो नंबर को, रो नंबर हमारा 0 होगा एंड कॉलम नंबर इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करें, क्योंकि तो यहाँ नंबर डालने पे 2 डालने पे 5 आएगा, 3 डालने पे 5 आएगा, ठीक है। और नीचे ड्रैग करने से पहले आई यहाँ पे F4 लगा दिया हमने और नीचे की तरफ, F4 हाँ ए कर दिया, रीच कर सर, दिया। सर एक चीज बता रहे सर, ये जब अपन इसके अंदर सिस्टम का ना चेंज करते हैं तो F4 दबा देंगे तो अपने आप को डॉलर ले लेगा सब में? जी, जो जहां पे कर्सर होगा वो में डॉलर ले, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ अगर हम 3 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे तो ये नंबरिंग सिस्टम इस तरह से आ जाए। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ जो इसका जो नंबर से मेरा चार्ट चेंज ना हो, चार्ट चेंज नंबर से ना, चार्ट चेंज जो हो किससे, हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाए। तो मैं सबसे पहले उसको उठा के यहाँ रख देता हूँ और आप डेवलपर टैब के अंदर जाते हैं तो इंसर्ट, इंसर्ट में ये आपके रेडियो बटन्स मिलते हैं, ठीक है। अब इस रेडियो बटन्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद एक ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप जाइए फॉर्मेट कंट्रोल में और सबसे पहले इसको 3D करके सेल लिंक में जो यहाँ 1 दिया था उसको ओके कर दीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि अब जितने भी मैं ऑप्शन पर बढ़ाऊंगा उस पर क्लिक करूंगा तो उसका सिक्वेंस नंबर यहाँ डल जाएगा। एडिट टेक्स्ट में जाके इसके अंदर हम कर देते हैं जैन, और ये जो थोड़ा बड़ा है उसको छोटा कर देते ताकि क्लिक एरिया हमारा छोटा हो। अब इसी को कॉपी, इसी को क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी या फिर ड्रैग भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कंट्रोल प्रेस किया और इसको आगे की तरफ ड्रैग किया यहाँ, कंट्रोल प्रेस करने का ड्रैग करेंगे तो ये इस चार्ट सेलेक्ट है, राइट क्लिक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ कंट्रोल प्लस करके इसको ड्रैग कीजिए। इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस तरह का माउस सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो जैन हो गया, ये आपका फेब, ये आपका मार्च, ये आपका अप्रैल, मई, जून। अब सब पे राइट हाँ क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करते चले जाइए और यहाँ पे ये आपका फेब, ये आपका मा एडिटेक्स, ये आपका मार्च, ये आपका अप्रैल,
ये आपका जून, ठीक है। अब देखिए फरवरी पे क्लिक करेंगे तो फरवरी का डेटा आएगा, मार्च पे करेंगे तो मार्च का, अप्रैल पे करेंगे तो अप्रैल का, मई आपका मई का आएगा और जून आपका जून का रहेगा, ठीक है, क्लियर है इस तरह से। ओके सर, तो इस तरह से आप और भी कहीं यूज कर सकते हो, यही नहीं और भी कहीं यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में आपके साथ जो है ये कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, स्पाइन बटन डिस्कस कर चुके थे। दूसरा आता है लिस्ट बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स बिल्कुल कॉम्बो बॉक्स की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है? कॉम्बो बॉक्स की तरह होता है, बस यही होता है कि इसमें लिस्ट के रूप में आता है। तो आप असाइन फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इनपुट लिंक में अपना डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और ओके करें, इस सेल लिंक में इसको कर दीजिए, तो इस तरह से लिस्ट बन के चलाता है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता था, मैंने हमें एक्सप्लोर करना पड़ता था ये लिस्ट बॉक्स में इस तरह से आते, ठीक है। राइट, सर इसमें आपने ये रवि टच करा है तो रवि का ही डेटा आना चाहिए ना, ये पूजा मोहन और ये क्यों हो रहा है? ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया ना सर, वो यहाँ मंथ लेना चाहिए था, ठीक है। मैं लिस्ट बताया था आपको, ये बेसिकली क्या है ना कि ये डेटा ओरिजिनल नहीं आ रहा, ये डेटा वर्टिकल हमने बनाया था चेक बॉक्स के लिए। वर्टिकल हमने बताया कि इस तरह से कर सकते हैं। अब डेटा क्या आ रहा था फॉर्मूले पे डिपेंड करता है ना, इसका काम था सिर्फ इसमें नंबर डालना है ना, ना, नहीं वो तो ठीक है, मतलब ठीक है ना, उसी हिसाब से डेटा आपको बनाना हो। ओके अब इसमें लास्ट हमारा आता है ये आपका स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार के लिए हम जो है काम करते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा इतना बड़ा है जिसको कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पूरी डेटा टेबल को एक रिपोर्ट के एक डैशबोर्ड के एक छोटे से एरिया में दिखाना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम पूरे के पूरे डेटा को एक छोटे एरिया में तो नहीं दिखा सकते ना सर, दिखा पाएंगे? जैसे मान लीजिए कि आया आपके पास 100 सिटी का, आपके पास 100 क्लाइंट का डेटा आया होगा, अब आपको डैशबोर्ड में 100 क्लाइंट का रिपोर्ट दिखाना है, तो 100 क्लाइंट का रिपोर्ट दिखाएंगे तो पूरा डेटा दिखाना पड़ जाएगा, लेकिन एक डैशबोर्ड के छोटे से एरिया में दिखाना है। जैसे कि अगर हम डैशबोर्ड की बात करें, क्योंकि अगली कुछ क्लासेस आपकी डैशबोर्ड की है, तो ये रहा। अब मान लीजिए मुझे छोटा सा एरिया, इतना यहाँ पे एरिया मिला हुआ है, अब यहाँ पूरा का पूरा रिपोर्ट नहीं दिखा सकता ना सर, नहीं तो कैसे दिखाएं? एक छोटे डैशबोर्ड के अंदर एक छोटे से एरिया में पूरा डेटा कैसे दिखाएं? तो आप देखिए आपके पास पूरा डेटा है, लेकिन एक्चुअली आप एक बार में कितना डेटा देख पा रहे हैं, 1 से लेके 22 ही देख पा रहे हैं ना। जब आप नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करते हैं तो 2 से 23 दिखा रहा है, 3 से 24 दिखा रहा है, दिख रहा है सर? तो उसी तरह से आप यहां भी कर सकते हैं। एक छोटे से एरिया को हमने लिया, लेने के बाद इसको मैंने मान लीजिए ये लगा देता हूं, और हमारे पास इसमें डेवलपर के अंदर में हमारे पास होता है स्क्रॉल बार, तो हमने स्क्रॉल बार को लिया और यहाँ डिजाइन कर दिया, रफ कॉपी पेन लेके पेन पेंसिल, फिर इसके राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। अब मेरा एक बार डेटा देख लीजिए, डेटा कितना है? तो डेटा मेरे पास जो है वो है 235, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, हाँ 7।
तो राइट क्लिक करके फॉर्म एंड कंट्रोल पे हम जा रहे हैं, और यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 सही है, और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा होगा 235 माइनस 7, 228, और सेल लिंक हम एक जगह पे नीचे ले लेते हैं, या यहाँ नीचे ले। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये नंबर आएगा, जितना ड्रैग करूंगा उतना नंबर यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ फॉर्मूला से ऑफसेट, ऑफसेट में हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किए, फिर आता है रो नंबर। रो नंबर में हमने यहाँ पे हम देते हैं, रो नंबर यहां निकालना होगा इक्वल रो, रो में इसे -2 करते हैं, पहला 0 होना चाहिए, तो यहाँ अब वापस लगाते हैं ऑफसेट, हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, रो नंबर ए हो जाएगा और प्लस में हमारा स्क्रॉल बार करेगा, कॉलम नंबर 0 होगा, और हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ नेम आ गया, नीचे ड्रैग करेंगे तो पूजा आएगा, ठीक है। अब ये जो रो का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ H2 में ब्रैकेट में डाल देते हैं, और I10 हमारा फ्रीज होगा और A1 का 1 फ्रीज होगा, बाकी कुछ फ्रीज करने की जरूरत नहीं, और फिर इसको आगे की तरफ और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो हम ऐसे यहाँ पे अपने डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपका एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला का कोर्स होता है खत्म, लेकिन इसके लिए आपको 5 क्लासेस अभी आपकी बची हुई है, इस कोर्स की 5 क्लासेस में हम आपको इस तरह के जो डैशबोर्ड मैंने बनाया है अभी जो दिखाया था, इस तरह के डैशबोर्ड्स बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा कि एक्सेल के सारे फीचर्स जो हमने आपको सिखाए हैं उसकी प्रैक्टिस। तो एक बार आप एक्सेल को अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिए कि कौन कौन टॉपिक रह गया है, जो टॉपिक रह गया है उसकी एक लिस्ट बनाइए, मुझे भेजिए, अगली अगली कुछ क्लासेस में, मतलब मंडे से हम उस क्लासेस की जो रह गई है उसको रिपीट करेंगे, और फिर हम 5 क्लासेस डैशबोर्ड करेंगे, और फिर आपका ये कोर्स फिनिश हो जाएगा।